गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये रीडिंग मैं कर रही हूँ जोडियक साइंस पर फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। और अब हम देखेंगे कि दिसंबर का मंथ, इस साल का लास्ट मंथ पाइसिस के लिए जो है वो कैसा रहेगा। रीडिंग अगर आपको रेजोनेट करे, रीडिंग में जो भी मैसेजेस मिल रहे हों वो आपसे रेजोनेट करें, तो प्लीज़ लाइक का बटन अभी प्रेस कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। और हम देखते हैं कि ये पूरा साल जैसा भी आपका गुजरा, दिसंबर का मंथ आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर आ रहा है। ऑलराइट, सो प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि पाइसिस के लिए दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा। ऑलराइट, द लवर्स, वेरी गुड, अच्छी बिगनिंग हुई है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, सिक्स ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, जब मैंने नवंबर की भी रीडिंग की थी पाइसिस के लिए, तो वो भी थोड़ा सा ट्रबलिंग था। बट आई रिमेंबर लास्ट मंथ में पाइसिस के लिए नवंबर में इट वाज अ मैसेज दैट समवन इज़ कमिंग। तो अगर आप चाहें तो आप नवंबर की रीडिंग देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि नवंबर में जो मैंने रीडिंग की थी, जिसमें आई थिंक आपके पास्ट लव का या किसी एक्स लवर की या कोई भी एक था, कोई आने वाला था आपकी लाइफ में, अगर वो आ गया और वो रीडिंग आपसे रेजोनेट की, तो प्लीज़ फॉर श्योर, क्योंकि मैं यहाँ जो देख रही हूँ, मुझे उसमें कुछ कनेक्टिविटी नज़र आ रही है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपका ब्रेकअप हो गया है दिसंबर के मंथ में। आपने शायद कोई एक रिलेशनशिप कंप्लीट कर लिया है, जो आपका आपको शायद लगता था कि वो आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, जबकि लवर्स का कार्ड जो है वो जेमिनाय का कार्ड होता है, और ये फॉर श्योरिटी होता है कि ये एक पॉजिटिव कार्ड होता है। बट यहाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपका ब्रेकअप हो गया है, और ब्रेकअप में गॉड फॉरबिड ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए होगा, ऑल्दो ये कलेक्टिव रीडिंग है पाइसिस के लिए, लेकिन ये शायद हर किसी से रेजोनेट ना करे। ये मैसेज जो है वो स्पेसिफिक मैसेज मुझे ऐसा आया है कि मुझे लग रहा है गॉड फॉरबिड यहाँ पर कुछ लोगों की डिवोर्स या कुछ लोगों की सेपरेशन हुई है, और बहुत ही डिफेंसिव वे में हुई है। जिस पर्सन से भी आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हुआ है या रिलेशनशिप डिस्कनेक्ट हुआ है, वो बहुत स्टबर्न और बहुत ही अथॉरिटी फिगर मुझे लग रहे हैं या लग रही हैं। उनके अंदर बहुत ही डोमिनेंट करने की और बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की एनर्जी थी, जिसकी वजह से आप लोगों का ये रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है। और ऐसा नहीं है तो आई गेस आप अपने जिस भी रिलेशनशिप में थे, वो शायद कोई एंड हुआ है। कपल्स हैं तो डिवोर्स या सेपरेशन हुई है, फियांसे थे तो शायद वो प्रपोज़ल ख़त्म हो गया है, बट आप उनको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक ये आपका ट्रू लव था। विद दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड दिस लवर्स कार्ड, आई फील कि ये एक आई थिंक ये पर्पस के लिए था आप लोगों का अलग होना। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, और थर्ड पार्टी इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई मेल या फीमेल ही हो, थर्ड पार्टी सोचे भी हो सकती हैं, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्ड्स जो होती हैं वो हमें मेंटल स्पेस के बारे में बताती हैं। करियर हो सकता है, जॉब हो सकती है, फाइनेंसेस हो सकते हैं। इत्तेफाक की बात है, यहाँ पर पेंटिकल्स का कोई कार्ड नहीं है, यहाँ पर कप्स का है, यहाँ पर वॉन्ड्स का है, और यहाँ पर तीन मेजर आर्कानाज हैं। यहाँ पर दो मेजर आर्कानाज हैं, यानी कि एम्परर और लवर्स, बाकी यहाँ पर सोर्ड्स की, कप्स की और वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर बस पेंटिकल्स की एनर्जी नहीं है, तो फाइनेंसिस का मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। लेकिन दिसंबर के मंथ में व्हाट आई फील, आप लोगों का या तो प्लीज़ इसको अपने रिस्क पर ही देखिएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अपने किसी पार्टनर से जो है वो आर्ग्यूमेंट होने वाला है। आप गॉड फॉरबिड जो है वो किसी हार्ट ब्रेक में जाने वाले हैं दिसंबर में, तो अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा, बिकॉज़ ये दिसंबर में क्या होगा उसकी रीडिंग है। तो आप सिचुएशन को इस वक्त कंट्रोल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। आप अपने डेफिनेटली ट्विन फ्लेम या सोलमेट से आप कनेक्ट कर रहे हैं और डील कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगी कि पहले मुझे लग रहा था कि सेपरेशन हो चुकी है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहे, बहुत ज़्यादा अपने ही सोचों को और अपनी ही चीज़ों को लेकर आपने अपनी ईगो
में ही अपने आप को रखा, तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर दिसंबर के मंथ में आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो ऐसी सिचुएशन को होने ना दें। ये एक तरीके से आपके लिए मैसेजेस हैं पाइसीज कि आप जिस पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है इस वक्त, मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही कंट्रोलिंग है, बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी फिगर है, बहुत एज में आपसे बड़ा है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है आप अपने किसी पेरेंट से डील कर रहे हो और पेरेंट आपके बहुत ही अथॉरिटी फिगर हो और उन्हीं की बात चलती हो, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स हमें एक चाइल्डहुड लव के बारे में बताता है। आप किसी को मिस कर रहे हैं, हो सकता है आप अभी अपने किसी पेरेंट को खोया है, आपने किसी लव्ड वन को खोया है जो आप चाह रहे हैं कि हेल्प के तौर पे इस सिचुएशन में आपकी मदद करे, आप इसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ मैसेज इसको उस तरह से लीजिएगा जिस तरह से आपसे रेजोनेट करें। बट येस फॉर श्योर दिस इज़ फॉर कलेक्टिव क्राइसिस। तो पाइसीज हमारे बहुत सारे सिचुएशन में हो सकते हैं, बट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि या तो यहाँ पर मुझे एकदम से ये भी मैसेज रिसीव हुआ है कि या तो आपका कोई ऐसा पुराना रिश्ता है, कोई प्रपोजल है, आपकी इंगेजमेंट किसी ऐसे पर्सन से हुई हुई जो बचपन में ही तय हो गई थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो वो पर्सन या आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक आर्ग्यूमेंट और बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड करने की जो है वो आ गई है एबिलिटी, और आप अपने आप को सक्सेस की तरफ, आप चाह रहे हैं कि आप सक्सेस की तरफ जाएं, आप जो है वो अचीव कुछ करें, लेकिन कोई पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको इस तरफ नहीं जाने दे रहा। जो अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो या डेवलप होने लगे दिसंबर में, तो कंट्रोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें इन दी एंड हार्ट ब्रेक आप ही का होगा। तो आई फील कि आपको इस वक्त थोड़ा टैक्टफुली डील करने की ज़रूरत है। पाइसीज जितने भी हैं वो ये रीडिंग ज़रूर देख लें, क्योंकि आप, मुझे लग रहा है दिसंबर में गॉड फॉरबिड आप थोड़े से टफ सिचुएशन में आ सकते हैं, और अगर ऐसा हो तो सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए हम अपने लिए गाइडेंस देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है, आपको क्या करना चाहिए पाइसीज को, कि अगर ऐसा हो रहा हो तो। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप अपनी किसी अपनी ख्वाहिश के लिए किसी अथॉरिटी फिगर से जो है वो फाइट करने वाले हैं। इमोशनल लॉस, सी थ्री ऑफ सोर्ड्स और इमोशनल लॉस, नंबर थ्री एंड नंबर फाइव। फाइव नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, फिफ्थ दिसंबर को थोड़े से अलर्ट रहिएगा। ट्रायंफ, दिस इज कार्ड फॉर द चैरियट का ये कार्ड होता है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही कंट्रोलिंग पर्सन। एम्परर और चैरियट इट्स ऑलमोस्ट सेम, ये नंबर सेवन है, कोई क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएगा, बहुत एम्बिशियस होकर, हो सकता है कोई ऐसा प्रपोज़ल आपको ऑफ़र करे जिसमें आप शायद शादी के मोड में ना हो, और आप अपने प्रपोज़ल को, अपने सेट प्रपोज़ल को शायद यहाँ पर जो सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, वो सेवन ऑफ वॉन्ड्स का, शायद इसीलिए आप इस अथॉरिटी फिगर से जो है वो आर्ग्यूमेंट करेंगे, और इन दी एंड हो सकता है आपको हार्ट ब्रेक का सामना करना पड़े। लेकिन यहाँ पर भी इमोशनल लॉस है, तो दिस इज़ समथिंग अ कन्फर्मेशन दैट यू आर गोइंग टू फेस एन इमोशनल लॉस। तो थोड़ा सा अगर हो सके तो सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें, अदरवाइज़ आपके सामने ही रीडिंग आ रही है। जितने भी मेरे पाइसीज हैं, हम एक और कार्ड लेने की कोशिश करते हैं, या अगर खुद से दो तीन कार्ड आते हैं तो दैट इज़ समथिंग एल्स, लेकिन हम एक और रीडिंग ले, एक और कार्ड लेने की कोशिश करते हैं। प्लीज़ हमें गाइड करें। वन मोर मैसेज। ओके, न्यू बिगनिंग, दैट डेफिनेटली आई थिंक ये प्रोसेस होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रुथ यानी कि जजमेंट का कार्ड है, नंबर 20, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थोड़ा सा ध्यान कर लीजिए, देख लीजिए, जो भी चीज़ होगी दिसंबर में वो आपको एक न्यू बिगनिंग की तरफ लेकर आएगी। हो सकता है आप थोड़ा चाइल्डिश बिहेव कर रहे हैं, बिकॉज न्यू बिगनिंग रेगुलर टैरो के अंदर फूल का कार्ड होता है, एक फ्रीडम का कार्ड होता है, एक फ्री स्पिरिट का कार्ड होता है। तो यस, आपको कुछ डीलिंग्स करते हुए किसी पर्सन से आप आर्ग्यूमेंट्स में जाने वाले हैं, अपने लिए फ़ाइट करने वाले हैं, आप अपने किसी एल्डरली पर्सन से आर्ग्यूमेंट में जाने वाले हैं, जिसकी वजह से आपका दिल टूटेगा। हो सकता है आपको अपनी बात मनवाने में बहुत मुश्किल पेश आए, और आपकी बात जब ना मानी जाए तो आपका हार्ट ब्रेक होगा, क्योंकि दो दफ़ा यहाँ पर हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। न्यू बिगनिंग का कार्ड है, आप किसी न्यू प्लान की तरफ, कोई नई चीज़, हो सकता है इन तमाम चीज़ों होने के बाद आप दिसंबर के बाद ये प्लान करें कि मैं जो हूँ वो
दोबारा से अपने लिए एक रेजोल्यूशन सेट करता हूँ या करती हूँ और फिर आप 2022 में जो है वो एक नई बिगिनिंग के साथ आएँ। 20th कार्ड ट्रुथ का कार्ड है। ट्रुथ का कार्ड मीन्स कि आपके ऊपर कोई ट्रूथ रिवील होने वाला है, आपको कोई मैसेज मिलने वाला है, कोई फैसला सुना दिया जाएगा और उस फैसले की बुनियाद पर जो है वो हो सकता है आपका इमोशनल लॉस हो। तो पाइसीज ये आपकी रीडिंग है। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा ताकि मैं इसमें मज़ीद प्रोसेस कर सकूं। और लास्ट टाइम भी मैंने पाइसीज की एक रीडिंग की थी तो उन्होंने शायद मैसेजेस में मुझे बताया था और अलग से भी बताया था कि दे आर स्ट्रगलिंग अलॉट। तो लेट्स सी, आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड प्रे फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। कोई भी ऐसी बात हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रीडिंग रेजोनेट करे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके बताइएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।